हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम की ज़िंदगी। सो आई होप आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। सो गुड मॉर्निंग आप सबको। तो यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह बनाने के बाद, शावर लेने के बाद यहाँ पे आ गई थी पूजा करने के लिए। सो यहाँ पे मैं पूजा से यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सो आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। सो मैं पूजा करने के बाद आपसे मिलते हैं। सो मंदिर में पूजा हो गई है, तो यहाँ पे मैं तुलसी माता की पूजा करने आ गई हूँ। तो मैंने हमारी तुलसी माता यहाँ पे गैलरी में है, तुलसी जी और शमी जी। तो यहाँ पे मैं तुलसी माँ का पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस, पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में नाश्ता करने। पूजा कर लिया, फिर नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी लंच का प्रिपरेशन करने के लिए। आज मुझे लंच में बनाना है चावल और चना की ग्रेवी वाला बनाऊंगी, और इसका पत्ते की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो कौन कौन अरबी के पत्ते की सब्ज़ी खाए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो ये अरबी के पत्ता मार्केट में अभी भी मिल रहा था, तो मैं सोचा चलो लेती हूँ। इसका सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेरे घर में सबको अच्छा लगता था, मैं कभी नहीं खाई थी अरबी के पत्ते की सब्ज़ी। मैं फर्स्ट बार अपने ससुराल में ही खाई थी, मम्मी जी बनाई थी। तो मुझे उस टाइम से मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस बरसात के मौसम में गर्म मिलता है, लेकिन आज इस बार पहले ही मिलने लगा इसे, तो बरसात के मौसम में मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसे मैंने पानी से वॉश कर लिया और यहाँ पे घोल बना लिया है मैदा को, सब कुछ डाल के आमचूर पाउडर गरम मसाला सब पेस्ट, एक पतला सा पेस्ट बना लिया, ना पतला नहीं गाढ़ा, पूरा थिक को पेस्ट बना लिया कि इससे बाहर न जाए। और इसके पत्ते हैं ना, पत्ते पर इस तरह से लगा देंगे पूरे पत्ते में अच्छे से इसको लगा देंगे, फिर उसके बाद इसे रोल रोल कर देंगे। सो देखते जाइए मैं क्या क्या करती हूँ, और बताइएगा ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। और मैं पता है छोटी कर ली हूँ इस तरह से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, किचन में रहा नहीं जा रहा था, बहुत परेशान हो गई थी गर्मी से। तो यहाँ पे मैं बाल को इस तरह से बांध ली हूँ। वैसे भी मेरा बाल भी गीला था, सूखा भी नहीं था, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही, पता नहीं कैसे गर्मी मिल रहा कि मतलब गिर जाऊँगी, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। सो इस तरह से इसको रोल रोल करके, सो देख सकते हैं यहाँ पे रोल रोल करके मैंने रख लिया। ऐसे गर्म पानी में डाल दूँगी कि ताकि ये पक जाए, उबल जाए। और इसको मैं डालने वाली थी, तो मैं सोची नहीं चलो इसको बांध के डाला जाए, तो मैं इसे ना धागे से बांध दूँगी, इसको धागे से बांध के उसके बाद ही उबालूँगी इसे। और यहाँ पे आम था, तो हम मेरे हस्बैंड भी नाश्ता कर रहे थे, तो वही मैं आम उनको छील के दे रही थी। चलो आपको आम छील के दे रही थी। देखो यहाँ पे मैं धागा लाई हूँ, उसे इस तरह से बांध देंगे कि ताकि वो खुले ना। सो दोनों को बांध के और पानी में डाल दूँगी, तो ये उबल जाएगा, तो फिर इसे मैं निकाल लूँगी। तो हमारा वो भी पानी से निकाल लिया मैंने, वो भी खोल गया था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल, चावल का मार निकाल रही हूँ। सो हमारे घर में इसी में डेक्ची में ही चावल बनता है, और कई लोग कुकर, लेकिन कुकर में चावल खाना पसंद नहीं करते, सब इसका पानी ही तो जाता है ना, वो निकाल के ही खाना अच्छा लगता है। सो यहाँ पर मैं आई, तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि ध्यान से, वैसे भी मैं माँ चावल बनाती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा कम बनाती हूँ, मेरी मम्मी ही बनाती हैं चावल। सो मैं बहुत ज़्यादा ही कम बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पैर चल जाते हैं, इसलिए मैं चावल को वो मार देता है ना, वो पानी नहीं निकालती, मम्मी निकालती है। तो यहाँ पे मैं इसको उबाले, ठंडा हो गया था, तो मैं इसे इस तरह से पीसेस में कट कर लूँगी और इसे फ्राई करूँगी, मछली की तरह इसे फ्राई करूँगी, तो अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो और इसमें प्याज टमाटर सबने मैं ग्राइंड कर लिया है, तो अब देखिए ये जाएगा इसके अंदर और ये तलाएगा। और इधर मैं बना रही हूँ चने की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। सो ये वाली सब्ज़ी मेरे घर में
कृष्ण की बेटी रानी को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। इसमें पोई के पत्ता रहता है वो डाला जाता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो मैं ससुराल में खा डिनर मैं बनाती हूँ, लंच भी मैं बनाती हूँ, पर दोपहर का लंच नहीं, सॉरी मॉर्निंग नाश्ता मैं बनाती हूँ, लंच का खाना बहुत कम बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये बना रही हूँ ये चने की ग्रेवी वाली सब्ज़ी और इधर ये अरबी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसमें ये गया पोहे के पत्ता, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है इस टाइम खाने में। तो यहाँ पे मेरा ये चना की ग्रेवी हो गया। तो फिर मेरी बेटी रानी मुझे पानी देने के लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा जोर वाली प्यास लग रही थी, तो देने के लिए थी, मम्मा आप पानी पी लो पहले। तो देख सकते हैं मैं पसीना से नहा ली हूँ, लग ही नहीं रहा था कि मैं नहा के आई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। तो यहाँ पे मैं प्याज टमाटर को फ्राई कर ली, फिर यहाँ पे सरसों डाल दी हूँ, सरसों पीस के। तो अब मैं इसमें सारे मसाले दे दूँगी और इसे अच्छे से मैं भूंजूँगी ताकि ये पक जाए मसाला। तो उसके बाद इसमें मैं पानी डाल के और इसको डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी गाइस, इतनी गर्मी में खाना बनाया नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे कुछ बातें भी कर रहे थे। सो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ग्रेवी के लिए मसाला रेडी हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तब उन्हें चट चट के खा गए, तुरंत ख़त्म हो गया था। सो यहाँ पे अब मैं पानी ऐड करूँगी और फिर ये पानी खोल जाएगी ना, तो फिर मैं उसको ऐड कर दूँगी, इसमें डाल दूँगी। अब मेरा ये मसाला खोल गया, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जैसे फिश बनती है ना उसी तरह से बनाना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और कौन कौन खाए हैं ये वाली सब्ज़ी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सब, और सजेशन दीजिए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं। तो उसी टॉपिक पे मैं कोशिश करूँगी वीडियो बनाने के लिए। सो ये हमारी ग्रेवी बन के ऑलमोस्ट हो गया रेडी। सोते सोते ये हमारी ग्रेवी बन के हो गई रेडी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है, लग रहा है कि मछली बना है। सो यहाँ पे लंच बनाने के बाद पूरा किचन को क्लीन कर रही हूँ मैं। यहाँ पे लंच मेरा बन के रेडी हो गया, अब मैं किचन को क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारा, मैं देख रही थी उसको कि हुआ कि नहीं हुआ। सो यहाँ पे किचन क्लीन करने के बाद आ गए थे बोतल में पानी भरने के लिए, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, मतलब कि बोतल खाली खाली होते जा रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। दो तीन दिन से बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी है। तो यहाँ पे ये मैं बोतल को पानी भरी हूँ, इधर मेरी बाबू पड़ रही है, पापा जी बैठे हुए थे, तो मैं पानी भर लेती हूँ। उसके बाद पता है समझ में बहुत ज़्यादा पानी ठंडा भी नहीं हो पाता, ख़त्म हो जाता, बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही। सो यहाँ पे सब मैं बोतल में पानी भर लूँगी।
सो यहाँ पे मैं छोटू से मटकों में पानी भर रही हूँ और इसका पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, ठंडा ठंडा रहता है ना, बहुत ही ज़्यादा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो भी न्यू हमारे चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।